वेलकम स्टूडेंट, आज हम आपको बर्ड बनानी सिखाएंगे। बर्ड के लिए हमें पेंसिल, इरेजर और एक्वा वाटर कलर यूज़ करने हैं। ये हमें यही मटेरियल रिक्वायर्ड है, पेंसिल, इरेजर एंड वाटर एक्वा कलर। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमें उसका हेड बनाना है। हेड बनाने के लिए हमें छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे ओवल शेप में ऐसे। फिर हम इसकी नेक थोड़े से कर्व लेंगे, नेक के लिए थोड़ा लॉन्ग कर्व लेंगे। फिर एक स्मॉल कर्व अंदर की साइड और फिर एक बाहर की साइड इसकी बॉडी के लिए हम एक कर्व लेंगे। कर्व ऐसे जैसे सी शेप में आता है, सी लेटर होता है, ऐसे हम इसकी फैदर्स ड्रॉ करेंगे अप एंड डाउन कर्व लाइन में, बहुत लाइट लाइट। ऐसे नीचे का पार्ट हम ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, लाइट पेंसिल ड्रॉ चलानी है हमें, ठीक है। हम इसकी लैग और ऊपर से फिर हम इसकी नेक को शेप देते हुए ऐसे ही कर्व लाइन से नीचे की साइड ऐसे ड्रॉ। ये बर्ड हमारी हल्का सा हम वाटर के अंदर इफेक्ट दिखाएंगे इसका। अब इसका हेड बनाने के लिए जो हमने ओवल शेप ली थी, ओवल शेप को हल्का सा फिनिशिंग करके अंदर से इसको रिमूव कर देंगे। जो हमें पार्ट इसका बाहर रखना है उसी को हम ओके करेंगे और आईज ड्रॉ करेंगे। इसकी बीक के लिए, इसकी बीक लंबी होती है, पॉइंटेड बीक इसकी ऐसे स्लैंट लाइन में, टू स्लैंट लाइन बनाएंगे ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। हेड पर थोड़ा सा फेदर का टच से आ जाएगा। के लैग हम ड्रॉ करेंगे नीचे, लैग को हम नीचे थोड़ा वाटर में शो करेंगे। ऐसे ऐसे ड्रॉ करें थोड़ा इसके बैक में, बैकग्राउंड में ग्रास, जैसे हम थोड़ा पेंसिल से भी शो कर सकते हैं लेकिन हम बाद में कलर से थोड़ा ज़्यादा शो कर देंगे इसको, इसलिए ज़्यादा लाइन नहीं दिखाएंगे। अंदर की साइड बॉडी में थोड़े फैदर्स शो करेंगे ऐसे। ये हमने बॉडी के अंदर वाले पार्ट में फैदर्स लाइट लाइट शो कर लिए और नेक पर भी थोड़ा सा हल्का सा कर्व लाइन से ही हमें थोड़ा सा फैदर शो करने हैं।
हमारी स्केचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें कलर करके दिखाते हैं, कलर स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें एक्वा वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं, इसमें से हम शेड निकालेंगे ब्लू कलर, इसकी बॉडी में हम यूज़ करेंगे लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। पहले हम बीक करेंगे, बीक में हम हल्की सी शेडिंग करेंगे ब्राउन कलर से ऐसे। शेडिंग से इसको लाइट एंड डार्क शेडिंग से हम इसको फिल कर देंगे। फिर हम लाइट ब्लू कलर से बॉडी में हल्का शेड देंगे, इसकी बॉडी को हम लाइट ब्लू कलर से शेड देंगे ऐसे। पेंसिल को थोड़ा सा प्रेस करना है, फिर ऊपर की साइड लाइट बिल्कुल हैंड से प्रेस करके छोड़ देना है ऐसे, बहुत लाइट हैंड से यूज़ करना है। ऐसे ही कर्व लाइन से ही, कर्व लेकर ही हमें शेडिंग करनी है ऐसे राउंड राउंड। फैदर्स में भी हम फैदर्स की शेप में ही शेडिंग करेंगे ऐसे। जैसे हमने पिक्चर ड्रॉ की है वैसे ही हम पेंसिल भी शेडिंग, पेंसिल भी उसी तरह से यूज़ करेंगे। नीचे हमारे इसके थोड़े फैदर्स हैं बॉडी में, तो हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे शेड में शेड करेंगे बॉडी पर। बहुत लाइट पेंसिल यूज़ करनी है। इधर जो फैदर्स हैं उसको भी हम सेम मेथड से ही फिल करेंगे। हल्का सा फेस पर भी शेड देंगे इसी कलर से। बहुत लाइट लाइट शेड देना है। ऐसे ही हम नीचे वाले पार्ट में भी यही सेम मेथड, पेंसिल को थोड़ा सा पुश करके फ्री कर देना है, फ्री छोड़ देना है। ओके, जब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा पेंसिल पुश करेंगे नीचे की साइड, फिर उसको फ्री छोड़ देंगे तो ये शेडिंग इजीली हो जाएगी। ब्लैक के लिए हम ब्राउन कलर की पेंसिल यूज़ करेंगे ऐसे। ब्लैक में शेडिंग करनी है हमें, ब्राउन कलर की पेंसिल हम शेडिंग करेंगे। लाइट शेडिंग ऐसे,
से हमने पूरी लैग ये कंप्लीट करी शेडिंग में। अब हम डार्क ब्लू कलर की पेंसिल यूज़ करेंगे। इसमें फाइनल टच देने के लिए हमें डार्क ब्लू कलर चाहिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर से। ये देखो हम इसमें डार्क ब्लू की शेडिंग देंगे, हाईलाइट करेंगे जो हमने पिक्चर अभी ड्रॉ की थी और शेडिंग उसमें दी थी, तो हम कहीं कहीं इसमें डार्क ब्लू की शेडिंग देंगे ताकि हमारी पिक्चर में थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाए और क्लियर हो जाए। ये देखो ऐसे नेक में भी ऐसे ही कहीं कहीं शेडिंग देंगे, हमें थोड़ा फाइनल टच देने के लिए डार्क ब्लू यूज़ करेंगे। ऐसे, और जो हमने ये टेक्सचर दिया था कर्व लाइंस, उनको हम डार्क ब्लू कलर से हाईलाइट करेंगे। नेक में हल्के हल्के से पैदर्स शो करने के लिए और हल्का सा शेडिंग इस साइड। पेंसिल कलर से बिल्कुल शेडिंग बहुत परफेक्ट और अच्छी आती है बेटा पेंसिल कलर। इसको हम इसमें हम वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक्वा वाटर पेंसिल यूज़ की है। हमें कहीं कलर को स्प्रेड करना है तो हम हल्का सा वाटर यूज़ करके नेचुरल लुक उससे दे सकते हैं। ऐसे ही हम इसका टेक्सचर भी डार्क पेंसिल से फैदर्स ऐसे शेडिंग में प्रॉपर शेप से बना देंगे। नीचे से भी ब्लैक में थोड़ा शेडिंग देंगे, ब्राउन ब्लैक कलर से थोड़ा डेप्थ दिखाएंगे। पहले हमने ब्राउन कलर यूज़ किया था, अब उसी के ऊपर हम थोड़ा ब्लैक कलर यूज़ करेंगे कहीं कहीं। ऐसे ऐसे दूसरी लेग में भी और बीक में भी हल्का सा ब्लैक कलर यूज करेंगे। अब हमें येलो और ग्रीन कलर यूज करना है, ग्रास थोड़ा सा ग्रास का लुक देना है बैकग्राउंड में, तो पहले हम येलो कलर यूज करेंगे। ऐसे हल्का सा ग्रास इफेक्ट देंगे बैक में बर्ड की। थोड़ी ग्रास नीचे की साइड भी दिखाएंगे। मैं इसमें वाटर इफेक्ट किए, हल्का से वाटर में बर्ड खड़ी है, तो हम इसमें वाटर इफेक्ट नीचे की साइड हल्का वाटर इफेक्ट देंगे ऐसे।
अब लाइट ग्रीन कलर से ग्रास, बर्ड के बैकग्राउंड में हल्की हल्की ग्रास शो करेंगे। मेथड हमारी यही है जो हमने बर्ड के लिए यूज़ किया है, कलर को प्रेस करके ऊपर की साइड लाइट बिल्कुल हैंड से छोड़ देना है, ठीक है। देखो बहुत इजीली इसे थोड़ी ग्रास नीचे की साइड भी शो कर देंगे वाटर में। थोड़ा सा डार्क ग्रीन का भी टच देंगे, थ्री शेड यूज होंगे इसमें, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। ये हमारा नीचे का बैकग्राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, नीचे भी थोड़ा सा डार्क ग्रीन का टच दे देंगे। अब इसमें हल्का सा हम आउटलाइन भी कर सकते हैं परमानेंट मार्कर से, नहीं तो हम स्केच पेन से भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी आई हम शो इसमें मार्कर से थोड़ा सा आई वॉल आई हाईलाइट करेंगे और मार्कर से इसमें हम आउटलाइन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छी लगेगी बर्ड। और फाइनल टच हमारा ये है, देखो ऐसे थोड़ा टेक्सचर अंदर फाइनल टच। ये हमारा फाइनल टच है जो हम परमानेंट मार्कर से कर रहे हैं। अंदर भी फैदर में हल्का हल्का ऐसे ही लैग में भी पूरी बर्ड में आउटलाइन कर देंगे। देखो ये कंप्लीट हो गया है, वाटर इफेक्ट आ गया नीचे। ये बर्ड हमारी कंप्लीट है, एक बर्ड हम ये ऐसे बनाया, सेकंड भी हम
ऐसे ही बनाएंगे। ये भी बर्ड हम बना सकते हैं, ये भी हमने वाटर कलर से ही बनाई है, एक्वा वाटर कलर से। ठीक है, टू बर्ड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं सेम मेथड।